सब्सक्राइब करो टेक्निकल स्टार को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और पाइए टेक्निकल से रिलेटेड हर जानकारी। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टेक्निकल स्टार। मैं हूं आपका दोस्त मुन्ना और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल स्टार। टुडे आई शेयर यू हाउ टू सेंड एनी एप्स एनी गेम्स ऑन व्हाट्सएप। यस दोस्तों, आपने सही सुना, आप कैसे किसी भी एप्स और किसी भी गेम्स को अपना व्हाट्सएप पर सेंड कर सकती है। आपने तो बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे इमेज अपने व्हाट्सएप पर सेंड किया, लेकिन कभी आपने किसी भी एप्स और किसी भी गेम्स को अपना व्हाट्सएप पर सेंड किया? अगर अपना जानना चाहती हो कैसे किसी भी एप्स और किसी भी गेम्स को कैसे व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिए। तो बिना टाइम गवाने से अच्छे शुरू करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। तो गाइस, आप लोग किसी भी एप्स और किसी भी गेम्स को सेंड करने के लिए आपका मोबाइल में पहले ES फाइल एक्सप्लोरर इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर ओपन करो। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करो ES फाइल एक्सप्लोरर, उसके बाद इसको डाउनलोड कर लीजिए। मेरी ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करेंगे। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकती है। उसके बाद हम ES फाइल एक्सप्लोरर का ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपका जहाँ पर ऐप्स है गेम्स से जिसको आप सेंड करना चाहती हो उसको आप ओपन कर सकती हो। इंटरनल मेमोरी या SD कार्ड, मेरे SD कार्ड में है तो मैं SD कार्ड में सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद मेरे ऐप्स में है, मैं ऐप्स सिलेक्ट करती हूँ। आप जिस ऐप्स या गेम्स को सिलेक्ट करना चाहती हो सेंड करना चाहती हो उसको आप सिलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पर इरेजर को सेंड करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो इरेजर को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करती हूँ। रीनेम पर क्लिक करने के बाद आप लोग गौर से सुनिएगा। रीनेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को टाइप करना है TEXT टेक्स्ट। अच्छा से देख लीजिए TEXT टेक्स्ट, लिख कर ओके करो। ओके करने के बाद देखिए मेरी ये फाइल देखो ऑलरेडी टेक्स्ट बन गया, आप लोग देख सकती हो ये वाला फाइल मेरी टेक्स्ट बन गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करो, फिर से सिलेक्ट करने के बाद मोर ऑप्शन पर क्लिक करो। मोर पर क्लिक करने के बाद शेयर बटन पर क्लिक करो। शेयर पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप व्हाट्सएप ओपन करो। व्हाट्सएप में सेंड करना चाहती हो तो मैं व्हाट्सएप ओपन करते हूँ। फिर आप जिसको सेंड करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। तो मेरा दूसरा एक अकाउंट है, उसमें आपको सिलेक्ट करके सेंड करके दिखाने वाले हूँ। मेरे दूसरा एक अकाउंट पर मैं सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सेंड करती हूँ। आप देख ही सकते हो मेरी ये सेंड हो रहा है। तो गाइस, मेरा ये ऑलरेडी सेंड हो गया। तो देखो अभी मेरे मैसेज पर मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। मेरे दूसरा अकाउंट ऑन करते हैं। दूसरा अकाउंट ऑन करते हैं। देखो गाइस, मेरे दूसरे अकाउंट पर भी मैसेज आ गया, ऑलरेडी सेंड हो गया, मेरे पास आ गया। हम जब ओपन करेंगे हमको इस तरह से दिखाएगा, आप देख लीजिए इस तरह से दिखाएगा। उसके बाद आपको इसको जैसे डाउनलोड करते हैं उसमें इसको डाउनलोड कर लीजिए। मेरा ये ऑलरेडी डाउनलोड दिखे हो गया। तो डाउनलोड करने के बाद जिसको आपने सेंड किया फिर उसको ES फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। ES फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हूँ। ES फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया फिर आपको इंटरनल मेमोरी क्लिक करो। उसके बाद नीचे में देखो इस तरह का एक फोल्डर बन जाएगा। व्हाट्सएप पर क्लिक करो। उसके बाद मीडिया पर क्लिक करो। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट में क्लिक करो। सेम पर क्लिक करो। देखो मेरे पास ये ऑलरेडी आ गया। तो मेरे ये वाला फाइल्स है, इसको APK लिखना है। तो APK लिखा, देखो मेरे ऑलरेडी इरेजर आ गया। तो आप लोग इस तरह से किसी भी ऐप्स या किसी भी गेम्स को आपका किसी भी दोस्त या किसी भी फ्रेंड सर्कल को आप इस तरह से भेज सकते हो। तो अगर ऐसे ही आप लोग नए नए ट्रिक्स एंड टिप्स चाहती हो तो इस चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।